दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी पहली फ्लाइट के दौरान पानी की एक या दो लीटर की बोतल घर से भर ली होगी, लेकिन सिक्योरिटी चेक पर जाते समय उस बोतल को बाहर निकाल लिया गया होगा और आप बहुत हताश हुए होंगे कि यार बार बार एयर होस्टेस से वो छोटी छोटी बोतल मंगवानी पड़ेंगी। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है? दरअसल एक पानी से भरी हुई बोतल और लिक्विड एक्सप्लोसिव जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से भरी हुई बोतल्स में डिफरेंशिएट कर लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट 2006 में एक फ्लाइट जो कि यूके से यूएस जा रही थी उसमें काफी सारे लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स के फॉर्म में एक्सप्लोसिव जाने की कोशिश करी थी जिससे कि वो प्लान को हाईजैक कर सके या फिर बॉम्ब कर सके, और इसी कारण से रूल बन गया था कि फ्लाइट्स में सिर्फ ट्रैवल क्वांटिटी यानी कि मैक्सिमम 100 मिलीलीटर तक के ही लिक्विड स्क्रीम्स एरोसोल्स को अलाउ किया जाएगा, इसीलिए वो आपको पानी की बॉटल नहीं ले जाने देते। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।